नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहान शेख और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम यूपी स्पेशल में खबरों का विश्लेषण करेंगे और सीधे जनता से जुड़ी हुई खबरें भी होगी। पहली खबर सियासत से जुड़ी हुई होगी। यूपी की सियासत के आज कल आजम खान आक्रोशन का केंद्र बने हुए हैं और जेल में रहते हुए मिलने वालों की खुशी और ना मिलने वालों को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आई है। अक्सर सुर्खियां बनी रहती है और अब जब से आजम खान को रिहाई मिल चुकी है तब एक बार फिर से सपा ने नाराजगी की खबरें जो है फिजा में गर्दिश कर रही है। यूं तो आजम खान के कई बयान जो है वो सामने आए लेकिन वही अपने शायराना अंदाज में तंज और तल्ख बातें करते हुए भी नजर आए। आजम कभी अपनों को घेरते हुए तो कभी बिना नाम लिए हुए भी निशाना साधते हुए नजर आए। आजम खान ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा अपनों ने गम दिया है, तो अपने कौन है, वो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराए थे या फिर अपने वो जो सियासत के साथ है, मतलब सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता। और वही दूसरी तरफ राज्य में मुफ्त राशन को लेकर इस वक्त कश्मकश की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जब से सरकार का फरमान जारी हुआ है तब से अपात्र राशन पाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तब से लेकर अब तक तहसीलों और ब्लॉकों में राशन कार्ड जमा कराने को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है और आपको बता दें कि ऐसे में अब कई तरह के सवाल जो है वो उठना लाजमी है। तो उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में रविवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। बैठक के दौरान सत्र को संक्षेप समय के लिए चलाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया, तो वही समाजवादी पार्टी के कई नेता जो है इस दरमियान मौजूद रहे। विधायकों ने मांग की है कि सत्र को कम से कम 35 दिन तक चलाया जाए ताकि जनता के मुद्दों को ठीक से उठाया जा सके। लेकिन सपा की बैठक में सपा के कद्दावर नेता आजम खान का बैठक में शामिल नहीं होना कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। सत्ताईस महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आजम खान पर सियासत जारी है। जेल के अंदर रहते हुए सियासी गलियारों में आजम की नाराजगी को हवा मिल रही थी। जेल से बाहर आने के बाद भी आजम की तल्खी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि आजम ने अब तक साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा बल्कि शायराना अंदाज में वार जरूर किया है और जेल में गुजरी हुई सख्तियों को थर्राई हुई और नम आंखों से बयां किया है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी, न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरे इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हूँ। पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था, जिंदा आ गया। आजम की नाराजगी और शिपाल की करीबी सपा के लिए बेचैनी पैदा करती दिख रही है। जेल के अंदर भी शिपाल ने आजम से मुलाकात की थी और जिस दिन आजम की रिहाई हुई थी उस दिन भी शिपाल मिलने गए तो विपक्षियों को तंज करने का मौका फराहम कर गए। अब देखना यह होगा कि आजम से क्या सपा की दूरी है या ये सब एक हवा हवाई बातें हैं। लेकिन आजम का अपना अंदाज है और अपना वकार है और अपना तरीका भी है बातों को कहने का, तंज कसने का, विपक्षियों पर हमला करने का। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ, तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आजम की दूरी की एक वजह और है सामने आने लगी जब सपा की बैठक में अब्दुल्ला आजम और आजम खान का नाम शिरकत करना। लखनऊ में जब सपा के सभी विधायक मौजूद थे उस वक्त आजम और अब्दुल्ला नदारद थे।
ऐसे में जब 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आजम विधानसभा में कहां बैठते हैं और किसके पास बैठते हैं, क्योंकि सपा के नजरिए से आजम की उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत के एक लंबा अनुभव है आजम खान के पास। 10 बार के विधायक एक बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे में आजम का अनुभव सत्ताधारी पार्टी को घेरने में अहम रोल अदा कर सकती है। समाजवादी पार्टी की बैठक में आज आजम खान नहीं पहुंचे और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में आजम खान की सपा से नाराजगी का मामला सामने आ रहा है। अगर बात की जाए आजम खान के बयानों की तो स्पष्ट रूप से उन्होंने नाराजगी नहीं व्यक्त की है, लेकिन जिस तरीके से सपा डेलीगेशन से जेल में आजम खान नहीं मिले थे और सीधे वो जेल से छूटने के बाद रामपुर गए और सपा की तरफ से भी कोई बड़ा नेता जेल में उन्हें मिलने नहीं गया और उनको जब रिहाई हुई उस समय भी सीतापुर कोई नहीं पहुंचा था, तो इसके लेके लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आजम खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। आज जब बैठक चल रही थी उससे भी उन्होंने दूरी बनाई। अब जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आजम खान कल विधानसभा सत्र में पहुंच सकते हैं। हालांकि आजम खान ने अभी शपथ नहीं लिया है और कल वो शपथ भी ले सकते हैं अगर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज है। आजम की रिहाई को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, लेकिन आजम खान अब धीरे धीरे अपने पुराने अंदाज में दिखने शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में आजम और अब्दुल्ला रामपुर की जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और अपने चहेतों से मुलाकात की। हाँ, ये और बात है कि आजम ने मीडिया से बात करने से गुरेज किया। सीतापुर के जिला जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान जैसे ही अपने घर लौटे हैं, वहां पर उनसे मिलने वालों का रोजाना तांता लगा रहता है। विधायक, आम आदमी, हर कोई उनसे मिलकर उनका हालचाल जान रहा है, जेल डायरी के बारे में सुनना चाहता है, समझना चाहता है कैसे बिताए दिन, कैसे बिताई रातें। बहुत सारे लोगों से मिलकर तो आजम खान भावुक हो गए और मीडिया से मुखातिब होकर वो जो बोल रहे हैं उसमें तमाम सारी चीजों के मायने समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या नजर आ रहे हैं और क्या आजम खान को, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि आजम खान कह रहे हैं कि अपने ही लोगों ने पीठ में खंजर भौंका है। आजम खान की पीठ में कौन अपने हैं जिन्होंने खंजर भौंका है, और अब आजम खान उन लोगों के लिए क्या रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक तरफ आजम अपने समर्थकों से जेल में मिलने गए तो दूसरी तरफ आजम से मिलने वालों की होड़ लगी हुई है। इसी सिलसिले में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं। आजम खान की बेगुनाही को जो 27 महीने की सजा भुगतनी पड़ी है, इसका हिसाब हुकूमत से लिया जाएगा। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि मैं आज इस्तकबाल करने के लिए आया हूं। मैं ये समझता हूं कि आजम भाई को नई जिंदगी मिल रही है। अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं और जो जुल्म जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर इंशाल्लाह आगे का लाए है अमल बनाया जाएगा और मुस्तकिल मिजाजी से संजीदगी के साथ आगे काम किया जाएगा। और आजम खां की बेगुनाहियों को जो 27 महीने की सजा भुगतना पड़ी है, इसका हिसाब इंशाल्लाह हुकूमत से लिया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प और निर्णायक होगा कि आजम का अगला कदम क्या होगा। यूं तो आजम के पास ऑफर ही ऑफर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस बाहें फैलाए हुए खड़ी दिख रही है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी जेल में आजम के रहते हुए इशारों इशारों में आजम की हमदर्दी जताई थी। तो सारे पहलुओं पर नजरें दौड़ाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में आजम सपा से दूरी बनाना चाहते हैं। और इन सवालों के बीच सबसे बड़े पेच के रूप में शिवपाल यादव का एक्टिव होना है और आजम के लिए साय की तरह खड़े रहने का दम भरना कई तरह के संकेत को जन्म दे रहा है। तो क्या शिवपाल और आजम मिलकर अलग राहें चुनेंगे? क्या शिवपाल और आजम एक बार फिर
MY फैक्टर पर नए सिरे से काम करेंगे। क्या शिवपाल आजम की बदौलत सपा के खेमों में बहुत बड़ा भीतरघात करने वाले हैं? क्या दोनों चाचा मिलकर भतीजे को गच्चा देने वाले हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये तो कयासों का बाजार है। इन सारे सवालों का असल जवाब खुद आजम ही देंगे कि उनकी राहें जुदा होंगी या सपा के साथ बरकरार रहेंगी। बहरहाल जब बजट सत्र शुरू होगा तो कुछ हद तक तस्वीरें साफ होंगी कि आजम का रुझान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वही योगी सरकार में एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। माफियों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है, तो वही अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार ने निशाने पर ले लिया। सरकार ने पात्रता को पारदर्शी बनाते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए। 15 मई तक गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड को उपभोक्ताओं को सरेंडर करने की मोहलत दे दी गई है। सत्यापन में राशन कार्ड गाइडलाइंस के अनुरूप में पाए जाने वाले पर FIR के साथ ही रिकवरी भी की जाएगी, जिसके बाद राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को रहा है। जिन कार्ड धारक के चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। ये मुनादी की आवाज सुनाई दी तो जहनों में बिठा लीजिए। मस्तिष्क में मुनादी देने वाले शख्स के हर लफ्ज को याद कर लीजिए। और अगर आपने मुनादी की निदा नहीं सुनी तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन कार धारक के चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। जिस मुफ्त के मगर जाल में फंसकर जनता ने वक्त निकालकर सरकार को दूसरी पारी खेलने का मौका दिया, अब वही शस्त्र दिलों पर कुठाराघात कर रहे हैं। जिस मुफ्त के राशन के रथ पर सवार होकर BJP की दूसरी बार सरकार बनी, उसी रथ को अब जख्मी किया जा रहा है। यकीन कीजिए, जिस अरमान से गरीब जनता ने सरकार को झोली भर के वोट दिया था, उम्मीदों को बल मिला था, अब सारी उम्मीदें काफूर हो गई हैं। ये अभी तक 5,088 लोगों ने जो है विगत आपने जो है न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सभी तहसीलों को और नगर निगम क्षेत्र को मिलाकर के 5,088 लमसम जो है वो लोग राशन कार्ड अपना सरेंडर किए हैं, और विगत 2 दिनों में और उसकी संख्या जो है और बढ़ गई है। नहीं देखिए, ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जो आज के डेट में कोई नया नियम आया हो कि इसके तहत आपका जो है बिना जाँच किए हुए बना दिया गया है। इसमें जाँच करने के दौरान की ये बात होती है कि राजस्व लेखपाल जो होता है संबंधित व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है, और राशन कार्ड बनने और काटने की एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें जो है व्यक्ति अगर सक्षम हो जाता है, जैसे मान ली किसी घर में उसके व्यक्ति परिवार है, उसके घर में सरकारी नौकरी लग गई, उसका बेटा जो है टीचर में हो गया, पुलिस में हो गया, तो सक्षम हो गया तो उनको अपना कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसा लोग करते नहीं। जिन कार्ड धारक के चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि जो अपात्र हैं, राशन ले रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। अलीगढ़ में अब तक करीब 5,000 लोग राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। अपात्र कार्ड धारक जानकारी छिपाकर आगे भी राशन लेते रहे। वहीं जिले के सभी तहसीलों में अब तक 5,800 राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। ऑनलाइन करा गया था इसको, राशन को जी, लेकिन उसकी दोबारा जांच कराने के लिए आया हूँ, अभी पहुंचा नहीं है। तो आप अभी मतलब आप राशन कार्ड आपका चल रहा है? हाँ, नहीं अभी चालू मतलब हुआ नहीं है। आप चालू कराने आए हैं? हाँ, चालू कराने। अच्छा, चलिए, यहाँ कुछ लोग चालू कराने आए हैं तो कुछ लोग सरेंडर कराने के लिए आए हैं। देखिए, और भी लोग मौजूद है जो की DSO ऑफिस के बाहर है, और ये बात आ जाइए, देखिए इनकी टेबल है। अगर एक राशन कार्ड की अगर हम बात करें
तो ये लिखा हुआ है श्रीमान खाद्य एवं रसद विभाग अधिकारी महोदय राशन कार्ड निरस्त करने के संबंध में, इनके पास किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास पक्का मकान है, इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो आप राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि जब पात्र और अपात्र की क्या ये सूची पहले नहीं देखी थी, भैया आप किसके लिए आए हैं आप बताइए। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 की लाइसेंस 5 kV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। राशन कार्ड से मिल रही खाद्य सुरक्षा का आम जनता पर बेहद व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसलिए तो अब लोग अपना राशन कार्ड बचाने के लिए शस्त्र लाइसेंस तक भी जमा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के डर से कार्ड जमा करने वालों में होड़ मची हुई है। इसमें कई ऐसे पात्र भी रिकवरी के डर से राशन कार्ड जमा करने पहुंच रहे हैं जो असल में सरकार की इस सुविधा के हकदार हैं। कुछ ऐसा ही मामला बाराबंकी जिले में भी सामने आया जहां एक दिव्यांग अपना राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच गया। उसने बताया कि किसी ने उससे कहा है कि वो दिव्यांग पेंशन पाता है इसलिए वो अपना राशन कार्ड जमा कर दे। फिलहाल DSO ने दिव्यांग की दशा देखकर कहा कि तुम पात्र हो, जाओ, तुम्हारा कार्ड नहीं कटेगा। कहाँ से आए हैं? आज यहाँ क्यों आए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय? जी, ये राशन कार्ड जमा करने आए थे सर, हमें मालूम पड़ा था कि कैंसिल हो रहा है तो लोगों ने हमसे कहा कि आप जमा कर दीजिए और पेंशन आपको मिलती है सरकारी, तो वही मारे डर के सर आ गए और हमने सोचा कि कैंसिल ना हो जाए। आपके पास क्या है, मकान है? जी मकान है, मगर भाई का है, आपको नहीं? वो रहते हैं। क्या करते थे जो सरकारी पेंशन मिल रही है आपको? जी क्या करते थे? हम विकलांगता वाली सर। अच्छा, अच्छा विकलांगता वाली सिम मिलती है, उस बिना पे आप चले आए तो लोगों ने आपको डराया? जी, कि जाके सरेंडर कर दो नहीं तो क्या होगा? नहीं, पेंशन बंद हो जाएगी सर। अच्छा, तो पेंशन में कितने रुपए मिलते हैं आपको? 1500 सर। वो मात्र 1500 रुपये विकलांग पेंशन पाते थे, स्वयं विकलांग थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। ऐसे ही लोगों को लाभ देने के लिए यह योजना है। इसमें गाइडलाइन एक्सक्लूजन की स्पष्ट है, जो कुल आमदनी समस्त स्रोतों से उस परिवार की 2 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादन के अयोग्य है। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 की लाइसेंस 5 kV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। हर जिले की कमोबेश यही हालत है। अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार ने निशाने पर लिया है। सरकार ने पात्रता को पारदर्शी बनाते हुए सख्त गाइडलाइन जारी की है। 15 मई तक गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड को उपभोक्ता को सरेंडर करने की मोहलत दी गई है। सत्यापन में राशन कार्ड गाइडलाइन के अनुरूप ना पाए जाने पर FIR के साथ ही रिकवरी की जाएगी, जिसके बाद राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दीप महेंद्र पाठक सर, लोग राशन कार्ड सरेंडर करने आए थे तो क्या गाइडलाइन जानकारी में बताएंगे? जानकारी में जो गाइडलाइंस आई है उसके अंतर्गत घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो, 100 वर्ग मीटर का प्लाट ना हो, 80 वर्ग का व्यवसायिक प्लाट ना हो, AC ना हो और किसानों के लिए ट्रैक्टर ना हो, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन ना हो, ये सारा ही है। तो फिर आपके पास ऐसा क्या सलूशन है? मेरे पास ये था, विगत वर्ष में शिक्षा में था लेकिन मेरी जॉब लगी हुई 1 साल पहले, तो ये नियम जानकारी में आया तो मैंने अपना कार्ड सिलेंडर कर दिया। अभी तक जो राशन कार्ड बने हुए हैं इन सबको बने हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, जबकि शासनादेश में उल्लेख है कि जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं उनका जो है साल भर में सत्यापन करा लिया जाए। और ज़िले में अभी भी जो है कुछ लाभार्थी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, इससे भी स्पष्ट हो रहा कि हम जो है अपने राशन कार्ड जो बने हुए इनका सत्यापन कर लें। 1 साल के अंतर्गत परिवर्तन होगा, कोई परिवार अमीर हो जाता है, कोई परिवार गरीब हो जाता है, इसलिए गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना
शासन की पहली वरीयता बन जाती है। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 के लाइसेंस 5 KV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। वही हमीरपुर में सरकारी खाद्यान्न लेने के चक्कर में गरीब बने अमीर तमाम उपभोक्ता अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। डिपार्टमेंट ने ऐसे उपभोक्ताओं को 20 मई तक राशन कार्ड विभाग में सरेंडर करने की मोहलत दी है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर राशन सामग्री ले चुके उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी। हमीरपुर जिले में करीब 12 लाख की आबादी में पात्र गृहस्थी के 2,03,231 सफेद राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने जारी कर रखे हैं। वहीं अति गरीब के 36,022 लाल राशन कार्ड धारक हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 20 मई तक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड नहीं लौटाए तो डोर टू डोर जांच कराई जाएगी। हम राशन कार्ड को निरस्त कराने आए हैं। क्यों, क्या मामला है? मामला ये है कि अब जो नई नीति लागू हुई है उस पर हम पात्र समिति में अब नहीं आ रहे, इसलिए उसको आदेश को मानते हुए हम निरस्त करा रहे हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में प्रति वर्ष सत्यापन की व्यवस्था दी गई है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें सत्यापन का कार्य चल रहा है मेरा। और अभी हमने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील किया है कि 20 तारीख तक यदि आप हमारे इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, जैसा कि शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे अपात्र लोग अब उनकी आर्थिक उन्नयन हो चुका है, सामाजिक उन्नयन हो चुका है और वो इस श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, जैसे सभी आयकरदाता, चार पहिया गाड़ी चाहे वो हार्वेस्टर हो, ट्रैक्टर हो, ये लोग, और 7.5 एकड़ जमीन वाले, शस्त्र के लाइसेंस वाले, AC जनरेटर 5 KV के और सरकारी नौकरी, ऐसे सभी लोगों से मेरा अपील है कि वो अपना राशन कार्ड 20 तारीख तक कार्यालय में, मुख्यालय पे अथवा अपने तहसील कार्यालय में जमा कर दें। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 के लाइसेंस 5 KV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। अब ये भी तस्वीर देखिए, गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग में शासनादेश आने के बाद अपात्र लोग अपने अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंच गए। दरअसल सरकार ने जब से गाइडलाइन तय की है तब से राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया है। लोगों का कहना है कि अब जो लोग पात्र हैं सिर्फ उन्हें ही राशन मिलेगा। अब से पहले जो लोग अपात्र थे वो लोग भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे थे। गाजियाबाद की खाद्य आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने बताया कि गाजियाबाद में 4,30,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं। अब तक गाजियाबाद में 1914 अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। देखिए, जनपद गाजियाबाद में हमारे यहाँ पर 4,30,000 के आसपास में टोटल कार्ड हैं, जिसमें से 8,500 अंत्योदय कार्ड भी हैं। इसके साथ साथ में अभी जैसे कि शासनादेश आया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी अपात्र लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्यवाही व शासकीय दरों से, जब से उनका कार्ड बना है, सरकारी दरों से उन पर वसूली होगी। जैसे कि गेहूँ की आपकी 24 रुपये किलो के हिसाब से और चावल की 32 रुपये किलो के हिसाब से उनकी वसूली की जाएगी। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 के लाइसेंस 5 KV जनरेटर AC 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की तरफ से चुनाव में लगाए गए आरोप सही साबित हो रहे हैं? और इन आरोपों को सबसे ज्यादा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाए थे। अपने हर चुनावी भाषण में कहा करते थे कि सरकार सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है, चुनाव के नतीजे आने के बाद मुफ्त का राशन बंद कर देगी। तो क्या वाकई में सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है या अपात्र लोगों पर चाबुक चला रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।